के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, उसके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। अब देखें एक वाक्य आपको मैं सच बोलने का आती है कि छोटा मोटा मोटरसाइकिल हुआ करता था, मुझे 10 साल से स्किन एलर्जी धूप की, वो इसलिए हुई है कि ये अंदर खेलता था, मैं बाहर धूप में लगा होता था और एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे तो वो मैं ले आता था, उसको मैं देता था, पापा ने खा लिया, मैं हाँ बेटा मैंने खा लिया, ये मैं इसे झूठ बोलता था, ये मुझसे झूठ बोलता था, फिर ये झूठ बोलता था कि पापा मैं बारी ले भी अंदर जाके, तो ये मैं आधा खाता हूँ आधा नहीं। तो ये वक्त हम नहीं भूले, ये वक्त हमें नहीं भूले। तो ये इंस्पिरेशन मुझे मिली हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, तो जब उनको आराम मिल गया, सब कुछ अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, सब कुछ दोबारा मिल गया, तो एक शख्स आया कि हज़रत पहले वाला ज़माना अच्छा था कि अब आपने फरमाया कि अल्लाह किस हाल में रखे अच्छा है, लेकिन पहले जब तकदीर से मैं कराता था एक बड़ी ही प्यारी आवाज़ से अल्लाह पूछती थी कयूम तेरा हाल कैसा है। तो जब से ये मुझे सेहत मिली है वो आवाज़ हमारी बंद हो गई है, तो दिल में कसक है कि अल्लाह ले ले, लेकिन अपने आवाज़ को अल्लाह को दोस्त रखें, माँ बाप की खिदमत करें, आपको वो मिलेगा जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है।